मैं खालिद खान, सहवर्ण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धामपुर आगमन पर उनका हेलीकॉप्टर KM इंटर कॉलेज के मैदान पर उतरा, जहां भारी सुरक्षा फोर्स की मौजूदगी में वह नगीना मार्ग स्थित मंडप पर प्रभावी मतदान संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। निर्धारित समय के अनुसार प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर तकरीब 25 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने सर्वप्रथम भारत माता की जय के उद्घोष से सभी में जोश भरने का कार्य किया। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों का गिनवाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सुसज्जित शासनकाल में एक भी दंगा पूर्व उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। बेहतरीन कानून व्यवस्था, गुंडे माफियाओं का सफाया, बेटियों एवं महिलाओं की सुरक्षा के साथ सम्मान देने का कार्य, किसानों की समृद्धि के लिए गन्ने का शीघ्र भुगतान सहित उत्तर प्रदेश वासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना किसी भेदभाव के कार्य कर रही है। वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए प्रतिदिन वैक्सीनेशन कार्य करते हुए रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण कार्य कर रही है। पूर्व की सरकारों पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि पहले पूरा उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलसता था, पलायन, गुंडे माफियाओं का आतंक से अराजकता व्याप्त थी, किसानों का कई वर्षों का गन्ना भुगतान बकाया था, सरकारी योजनाओं का लाभ सरकार के नेताओं के पास जाता था। उत्तर प्रदेश सहित केंद्र में भाजपा सरकार बनते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र कार्य किए जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार द्वारा गरीब बेसहारा लोगों के लिए डबल राशन वितरण किया जा रहा है। आज पूरे विपक्ष के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। धामपुर से नितिन जुनेजा की रिपोर्ट। काम किया है, लेकिन पिछली सरकारों में उपेक्षा का दंश सदैव जनपद ने झेला है। विकास नहीं बल्कि अपराधी गतिविधियों का विकास हुआ, अराजकता फैली, छोटी छोटी बात के लिए उपद्रव होते थे, बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, किसी भी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, और जो सरकारें होती थी चेहरा देख करके योजनाओं को बांटती थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाते थे। पर्व और त्योहार के पहले कोई ना कोई बड़ा दंगा होता था। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें SF1 न्यूज़ से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।